हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। हेलो नमस्कार, मेरा बिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एकदम फिर से। वही आप सबको बहुत ज्यादा राम मंदिर की बधाइयां, मुबारकबाद हम सबकी जानिब से। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम देखने वाले हैं कि भाई राम मंदिर पे जो मुस्लिम खतून है ना, उनका क्या रद्द अमल है, वो क्या सोचती हैं इस हवाले से। प्लीज वीडियो को एंड तक देखेगा, मिस मत कीजिएगा, स्किप भी मत कीजिएगा, प्लीज एंड तक जरूर देखेगा, मजा आएगा आपको। मजा ना आए तो आपका एक व्यू वापिस। तो देखते हैं आज की वीडियो। चलिए, इस वक्त हम आगरा के पीला खार इलाके में हैं। सवाल वही है कि आखिर 22 जनवरी को लेकर लोगों में क्या सोचना है, और 22 जनवरी के बाद सियासत में राम की एंट्री हो रही है नहीं हो रही है, ये तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों पे बात करेंगे। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? आयशा खान। अच्छा आयशा जी, आपने कुछ सुना है ये 22 जनवरी को मंदिर वगैरह का निर्माण उद्घाटन हो रहा है अयोध्या में? नहीं, हमने नहीं सुना। अच्छा चलिए, आप बताइए आपका नाम क्या है? साहिबा मलिक नाम है मेरा। साहिबा, अच्छा ये बताइए साहिबा जी, अभी जो ये 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, सारे मुसलमान साहिबा जी क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते, अगर उद्घाटन हो रहा तो अच्छी बात है कि कोई चीज अगर नहीं बनती है तो उसका उद्घाटन। सही बात है, बहुत अच्छी बात। तो साहिबा जी हैं आपके मन चाहिए, राम का हो या श्याम का हो, दोनों का मतलब है। है, क्या बात की है। कुछ भी कह लो, चाहे अल्लाह कह लो या भगवान कह लो, एक ही बात है। अगर दो अलग अलग होते, भगवान अलग होता, अल्लाह अलग होता, तो अगर दो आसमान होते, एक आसमान क्यों है? इंसान के अंदर एक जैसा ब्लड। सही बात है, कितनी ऑथेंटिक बात की है। इसीलिए तो एक जैसा है। दशकों तक ये चलता रहा, लड़ाई चलती रही, अदालत में मामला चलता रहा, तो इससे क्या है? ये तो सब चलते हैं, ये तो नॉर्मल बात है, लड़ाई दंगे ये तो सब चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो समाज को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हर समय पर होते हैं, ये नहीं कि इसी समय पर, कलयुग या सतयुग द्वापर हो, कोई भी युग हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे समाज में भी होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं। सही बात। अगर हमारे 10 मेंबर हैं तो सबकी सोच, बिल्कुल सही बात की। इसी तरह दुनिया में भी सब लोगों की सोच एक जैसी नहीं है कि मिल करके रहे, आपसी भाईचारे से रहे, सबकी सोच अलग अलग होती है। साहिबा जी वोट तो करती ही होंगी? हाँ, वोट करते हैं। तो अभी जनवरी, 22 जनवरी और उसके बाद 2 महीने बाद चुनाव आ जाएगा देश में, इस चीज का आपको क्या लग रहा है, चुनाव पे असर होगा कुछ इस तरह का? हाँ, असर तो होगा, जो बातें हो रही हैं, जो मतलब जो क्या कहते हैं, जनता को जो जागरूक हो रही है, डिजिटल इंडिया, ये वो फलान खाना, ये असर तो होता ही है। जो करता है भैया, जो दिखता है वो बिकता है, जो सब दिखेगा तो इंसान बोर्ड। सही बात है। इंसान, तो ये राम मंदिर का मुद्दा रहेगा? हाँ, तो राम मंदिर का तो रहेगा, कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए अच्छा हुआ उनके लिए रहेगा, जिनके लिए बेकार हुआ वो उनके लिए नहीं रहेगा। आप लोगों के लिए क्या रहेगा? हमारे लिए तो सही है भैया, हो जाए तो, ना हो तो बढ़िया बात है, अगर हो गया तो। आपके लिए मुद्दा काम का होगा, सरकार जो काम कर रही है? हाँ, तो काम का मुद्दा तो है, काम तो भाई किए हैं मोदी जी ने, तो काम का मुद्दा रहेगा। कैसा काम? अरे ये राशन है, पानी है, ये क्या कहते हैं, बिजली, जो घर दे रही है सरकार, कितनी अच्छी बात, घर भी दे रही है, हमें घर दे रही है, यही सारे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, और कौन से मुद्दे? आप कह रही हैं कि विकास के मुद्दे हैं, ये सियासत में राम नहीं है? नहीं, राम भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, राम भी आएंगे। अगर कोई चीज खंडर पड़ी है या बेकार पड़ी है, उससे तो उस चीज का प्रयोग किया जाए, वो ही अच्छा है। आपका क्या नाम है? रेशमा। अच्छा, ये कह रही थी कि रेशमा जी की कोई बात नहीं, राम जी का मंदिर बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या लगता है, फर्क पड़ता है? अच्छी बात है, देखो जो चीज है तो सही है, देखो कहते नहीं है ऊपर वाला एक ही है, चाहे वो राम में ले लो चाहे ये अल्लाह में ले लो, ये बात इन्होंने सही कही है। लेकिन वहाँ पे तो लोग कहते हैं ना कि एक मस्जिद थी उसको शहीद कर दिया गया। अब वो कहते नहीं है, बातें जो पुरानी फटती है तो वो हमारे नहीं है तो सही करा मोदी जी, जो बात है गरीबों के नहीं है सही है, राशन आसन दे रहे हैं, बॉसों को पैसा भी दिया है, खैर हमने ही फॉर्म भरा है भी, हमें मिला नहीं है पैसा। किस चीज के लिए पैसा? ये मकान के नहीं है, आवास विकास के। फॉर्म भरे हैं आपने? मिला नहीं है पर अभी पैसा। अनाज वगैरह लेती है? राशन तो मिलता है और? बस यही सुविधा तो आपके लिए राशन ही होगा, दिल में लगेगा नहीं कि अरे यार हमारी मस्जिद शहीद कर दी उन लोगों ने वहाँ? अब खैर देखो ये सोच अलग है, अब सोच बदल चुकी है, झगड़े वो लोग खुद ही अपने उससे करते हैं। आप वोट देने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा कि ये राशन? हम जिस दिन से जो मोदी जी आम, तो वोट उन्हीं को ही दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं उन्हें, क्या कर दिया उन्होंने? कर क्या दिया, सही है जो सब सही, सबको सही लगता है वो हमको सही लगता है। मतलब आप
आपके दिमाग में ये नहीं, मस्जिद वाली बात नहीं रहे? अब ये तो देखो ऐसी कोई बात है ही नहीं है, सही बात है। क्या कह रही है ये, आप सहमत हैं इनसे? जी बिल्कुल सहमत हूं। आप भी सहमत हैं? जी सब सहमत हैं। जी मेरा नाम है नूरिश नाज। ये बताइए 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, ये तो प्रसन्न नजर आ रही है, आप भी तो नहीं दीप जलाएंगे? नहीं दीप नहीं जलाएंगे, लेकिन अच्छी बात है ना, देखो जो भी हो रहा है हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, जिसके भी हक में हो, चाहे मोदी जी करवाए चाहे कोई और करवाए, हम सबके साथ है, मोदी जी के भी साथ है। मतलब नाम किसी का हो करवाता ऊपर वाला है? क्यों ऊपर वाली करवाएगा, हमारे हाथ में तो नहीं, हम क्या कर लेंगे? सही गल, हम क्या कर लेंगे? ऊपर वाले की मर्जी थी, ऊपर वाले की मर्जी, अगर वो चाहेगा तो मंदिर बनेगा और वो चाहेगा तो मस्जिद बनेगी, लेकिन जो भी बनेगा हम उसमें। कितनी अच्छी बात की है। ये बताइए जब आप वोट करने जाएंगी, अब 2-3 महीने बाद चुनाव है, तो दिमाग में ये बातें होंगी कि आप मंदिर मस्जिद राम अल्लाह इस चीज पे बना पर तो नहीं दिया जाता ना वोट? हम वोट देने जाएंगे, इन बातों को दिल में रख के करना। बिल्कुल। तो क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे क्या होंगे, मतलब मैं बोल तो रही हूँ जो भी है अच्छा है, जो भी बने। देखिए हम किसी को वोट देते हैं तो सोचते हैं अरे ये आदमी बढ़िया है, ये सही नहीं है, तो भैया बढ़िया क्यों है? तो आप ये सुन, तो बढ़िया ही है ना, उन्होंने इतनी सुविधा, इतनी वो बोले फैसिलिटीज दी हैं हमें, हमारे जो भी काम है वो भी हो रहे हैं, तो फिर वोट अब जो भी होगा हम नहीं देंगे ना। तो सामने वाले भी कहेंगे कि जितना दे रहे हैं हम उससे ज्यादा देंगे? नहीं ऐसे कैसे ज्यादा देंगे, हम जो देखते हुए आ रहे हैं उसी के हिसाब से देंगे ना। यहाँ आगरा में मौजूद हैं, आपके पास वे में बहुत ही करीब है सफाई, ज्यादा दूर नहीं, 2 घंटे के रास्ते में पहुँच जाएंगे। अखिलेश भैया वहाँ के हैं, वो कहेंगे 5 नहीं 15 किलो अनाज। फिर तो वो लालच वाली बात हो गई, लेकिन अपने दिल में अगर अहद है हमें, हमें इसी चीज को देना है, तो वो लालच भी कुछ। सही बात है, वाह। मतलब आपके दिल में है कि जो दे रहा है उसी के साथ। कितनी अच्छी बात है, हमें आओ यार। तो मान जाएंगे लगता है। मत पूछिए। क्या ये जो कह रही हैं कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया कर रहा है, ये बात सच है कि ये जो कह रही हैं मोदी जी बढ़िया काम कर रहा है, और चाहे वो कोई भी आ जाए कि 10 दे या 10 की जगह 15 दे, उससे मतलब नहीं बनता है, जो इतने वक्त से हमारे संग खड़ा हुआ है वो मायने रखता है। क्या नाम है आपका? शाहीन। शाहीन, करती क्या है? मैं कुछ नहीं करती हूँ, घर में रहती हूँ। क्या कर रहे हैं? बच्चे छोटे हैं, 2 लड़कियाँ हैं, 7-7 साल की, एक लड़का है 13 साल का, तो घर में बच्चे। महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है, अब उससे भी क्या करा जाए। मोदी जी तो हैं। नहीं तो ऐसे कैसे कह देंगे हम कि मोदी जी ने महंगाई कर रखी है? अब सरकार उन्हीं की है ना? सरकार उन्हीं की है, लेकिन हमें थोड़ी नहीं, हम आंखों से नहीं देख रहे हैं ना, ये मोदी जी ने महंगाई कर रखी है, अभी हमें आंखों से नहीं पता है। तो फिर कैसे महंगाई हो, कैसे रखी है महंगाई, कैसे हो रही हो, इससे हमें मतलब नहीं है। अगर जिस महंगाई हो रही है तो उस हिसाब से पहले तनख्वाहें मजदूरों को 10 रुपए मिला करती थी, तो उस समय सस्ता जमाना था, ठीक, और आज उसी महीने की तनख्वाह 100 रुपए मान के चलो, तो और उसी हिसाब से ये अनाज वगैरह मार्केट में बिकता है, तो जहाँ पर कमाई बढ़ गई महंगाई भी बढ़ गई, बात तो वही है। लालची लग रही है, बिल्कुल लालची नहीं, लालची लग रही है, लालची होती तो इस मुकाम पे नहीं होती। फ्री का राशन ले रही है, फ्री का, और उसी के लोभ में कह रहे मोदी जी अच्छे हैं। अच्छा जो फ्री का क्या मतलब, जो मोदी जी दे रहे हैं फ्री राशन दे रहे हैं, 1 साल आज लगभग 2-3 साल से फ्री मिल रहा है लगभग, तो इसमें कोई लालच नहीं है। अभी कोई भी चीज सड़क पे आप भी हमें कोई बांटेंगे तो हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, अभी से आप लालची कहो या। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो यार काफी ज्यादा अच्छा इंटरव्यू था, हमें मतलब वो बोले कि 2-3 साल से उनको फ्री में राशन दिया जा रहा है, आप सोच सकती हैं दो कुछ सही सर। हाँ वही ना, वो बोले हाँ। कि अगर कोई आए आज के दौर में, अभी आगे आपको बोले कि ये यहाँ पे 5-5 किलो शायद 15 दिनों का मिलता है, 5-15 दिनों के बाद फिर आपको 5 किलो ना, वो जो कनक नहीं होती अम्मी, या तो वो ले लो या फिर आप आटा ले लो, इन दोनों में से आपके पास ही ऑप्शन होती है, तो वो ले लो, और उसके बाद घी भी मिलता है, चीनी भी मिलती है, और चावल भी मिलते हैं, फिर वो जो दालें नहीं होती वो भी मिलती हैं, तो यही चीजें मेन होती हैं जो आपको खाने पीने के लिए जरूरी होती हैं, तो वो सब चीजें ना राशन के तौर पर हर बंदे को, आप शिनाख्त कार्ड नहीं, जैसे हमारा होता है उनका आधार कार्ड होता है, वो जाके आप करीबी जो शॉप्स नहीं होती जहाँ पे, हाँ वहां से जाके ना उनको दिखा के तो वो ले आए, तो आप कितनी अच्छी बात है जो इन्होंने की है कि हम लालची बिल्कुल नहीं है, आज मतलब जिस बंदे ने हमारा
इतने अरसे से बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, और कल आज को आके कोई हमें बोले कि हमें हम तुम्हें 5 नहीं 10 किलो राशन देंगे या 15 किलो देंगे, तो वो उसका साथ छोड़ के उसके साथ, तो इससे बड़ा बेईमान मैं बोलूंगी कि कोई नहीं हो सकता। कि वो कहते हैं हम तो उसे लेंगे, हम ले लेंगे, बोले कि उसने उन्होंने हमारा साथ दिया है तो हम उसी को ही वोट देंगे। तो हमारे यहाँ पे सच्ची में कसम खुदा की अगर किसी ने हमें 5 किलो या 10 किलो भी किसी ने किसी को राशन फ्री में दिया होता ना, इतने अरसे से जब से ये कोरोना की महामारी चल रही है ना, तब से हमें दिया जा रहा है, तो अब तक वो दे ही रहे और आगे भी वो देते रहे। तो अगर कोई दे रहा होता हमारी गवर्नमेंट में से, तो सारे के सारे वोट उसी बंदे को जाने थे। उन्होंने बोला था कि उस बंदे ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, तो हम भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकते, उसका साथ हमेशा ही देंगे। तो ऐसा उसने बोलना था कोई भी अगर यहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई देता ही नहीं है फ्री में, कुछ भी नहीं कोई मिलता होता है ना, कोई 1 किलो ही आटा किसी को मिल जाए यहाँ पे, तो अगर सस्ता मिल रहा हो ना तो लोगों की अम्मी कैसे भीड़ होती है, ऐसे मतलब रश लगा होता है, वो रश मतलब ट्रक आते हैं बड़े बड़े जब ना, तो वो होता भी सही नहीं है, जो होता है ना सस्ता मिल रहा तो वो होता भी ठीक नहीं है। हमने ला के एक दफा हमने भी देखा था, लेकिन उसकी रोटी ही ठीक से नहीं पकती। तो ऐसी दगाबाजी करेंगे तो इस वजह से ही तो फिर इनको वोट नहीं मिलते, लेकिन वहां के लोग की ये जो मोहब्बत है ना और ये जो सच्चाई है वो देख के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है कि यार वो मोदी जी के साथ है। तो आपको ये मुस्लिम खतून के जो है रिव्यू कैसे लगे, कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं कोई वीडियो में। थैंक यू।